हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज हमारे पास में है ये इतनी सारी डेरी मिल्क चॉकलेट। आप लोग देख सकते हो हमारे पास में बड़े वाला पैक है, 20 पूरी की पूरी चॉकलेट्स है, 100 रुपए वाली, 2000 रुपए की चॉकलेट्स है, बहुत सारी। और एक पैकेट की अगर बात करें तो भाई साहब, इस एक पैकेट के अंदर है लगभग 130 ग्राम एक पैकेट में है, तो टोटल हमारे पास में 20 पैकेट्स हैं। आपको पता है कि ये जो चॉकलेट है बहुत ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन आज हमारे पास में एक बड़ी ही खतरनाक चीज और भी है जिसके ऊपर हमने और वीडियोस भी बनाई हैं, और वो है भैया ये तड़कती भड़कती जोलो चिप। दोस्तों ये जो जोलो चिप है ये बनी होती है दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक, कैरोलाइना रीपर, गोस्ट पेपर, इन सब को मिला करके, और ये जो है दुनिया की सबसे तीखी चिप्स है। इसके अंदर सिर्फ एक चिप्स आती है, 200 रुपए का पैकेट है, सिर्फ एक चिप्स आती है, और मैंने इसको खाया था, मेरी हालत मुझे ही पता है कि कितनी खराब हुई थी। ये बहुत 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 ज़्यादा तीखी है। हमने क्या किया था कि इस एक जोलो चिप को इस तरीके की एक चॉकलेट के अंदर मिक्स किया था और उसके बाद में उसको टेस्ट किया था, तो भाई साहब वो जो है वो ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा तीखा था, यानी कि जो चॉकलेट है वो बहुत ज़्यादा तीखी होगी। तो अब हमने सोचा कि एक चॉकलेट में एक जोलो चिप मिक्स ना करके अगर इस तरीके की 20 बड़ी चॉकलेट्स के अंदर एक जोलो चिप को मिक्स किया जाए तो क्या होगा, क्या मुझे इस जोलो चिप के तीखेपन का एहसास हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई आप लोग समझो, इसके अंदर सिर्फ 5 ग्राम चिप्स आती है, 5 ग्राम ही आती है ना इसके अंदर, हाँ देखो 5 ग्राम आती है, बहुत कम जोलो चिप आती है इसके अंदर, लेकिन वो तीखी इतनी ज़्यादा होती है। तो जब 5 ग्राम को इस 20 चॉकलेट्स में मिलाएंगे तो कितना तीखापन आएगा, कैसा उसका टेस्ट आएगा, आपके सामने चेक करने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और इस चीज़ से प्लीज़ बच कर रहना। दोस्तों इस जोलो चिप के डब्बे के पीछे लिखा हुआ है कि भैया ईट एट योर ओन रिस्क, ये जो है कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इसके टेस्ट को एंजॉय ही करें। और भैया एक टाइम ऐसा था जब हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था इसको खा करके, और उसके बाद में पूरे यूट्यूब में जोलो चिप की सुनामी आ गई थी, और तब जो है जोलो चिप जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया था। तो तब की बात है, तब हमने इसको इसके अंदर मिक्स किया था एक के अंदर, तो वही जो टेक्निक हमने यूज़ करी थी सेम टेक्निक हम जो है यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर कुछ इस तरीके की जोलो चिप निकलती है इस पैकेट के अंदर, इस पे लिखा हुआ फियर द रीपर, क्योंकि कैरोलाइना रीपर से बनी हुई है, और मुझे लगता नहीं आपको और कुछ दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये कितनी ज़्यादा जो है बेकार चीज़ है यार खाने में, बेकार इन द सेंस कि भैया कि जो है ना बहुत बहुत बुरी हालत कर देती है, लेकिन यार एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था जो कि लाइफ में बहुत कम होता है। तो यहाँ पर मैं इसको खोलता हूँ बड़े ही ध्यान से, बिल्कुल भी मिर्ची वगैरह इसमें से उछट के निकल के मेरी आँखों में नहीं जानी चाहिए है। इसको हटा देते हैं और जोलो चिप यार टुकड़ों में आ जाती है कई बार, देखो ये है वो जोलो चिप भाई साहब, अगर इसको खा लेंगे ना तो 100 में से 99 लोग तो उछलने लग जाएंगे, हो सकता है कोई बाई चांस ही किसी को ना लगे। तो इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ, और इसके अंदर जो कुछ भी है, इसके अंदर जो सारा मसाला है, इसके अंदर थोड़ी बहुत मिर्ची इससे हट गई है, उसको भी डाल लेता हूँ, इस अदरक वगैरह कूटने वाले हमारे इस जुगाड़ के अंदर, ओ तेरी और बच के आँख में नहीं गई, और इसको बढ़िया से कूट लेता हूँ ताकि ये पाउडर फॉर्म सा बन जाए और हम इसको जोलो चिप में मिक्स कर सकें, सॉरी चॉकलेट में मिक्स कर सकें। तो भाई ये बढ़िया से कूट चुकी है, और अब हमें जरूरत है गैस स्टोव की। तो भाई अब खोलते हैं पूरी की पूरी 20 चॉकलेट्स को, और ये जो है देखो बाहर रखे रखे और जो है थोड़ी सी पिघल भी गई, और आप देखो इसके ऊपर क्या क्रिकेट के स्टंप्स वगैरह बने, और इसको डालते हैं इस कढ़ाई के अंदर। तो भाई साहब यहां पर जो पूरी कढ़ाई है वो भर चुकी है 20 डेरी मिल्क चॉकलेट से, वो भी बड़ी वाली से, और अब आप लोग देख सकते हैं इसके लेवल से भी कितना ऊपर निकल गई है यार, इतनी सारी चॉकलेट्स हमारे पास में। जोलो चिप है सिर्फ इसमें जरा सी 5 ग्राम,
तो अब इस गैस स्टोव को चालू करते हैं, थोड़ा सा जो चॉकलेट है उसको गर्म करते हैं ताकि इसके अंदर ये मिक्सअप हो पाए। ठीक है, उसको फटाफट से मिलाना पड़ेगा और फिर देखते हैं क्या टेस्ट आता है। तो गाइज यहां पर ये जो है एकदम बढ़िया से आप देख सकते हो कि लिक्विफाई हो चुका जो चॉकलेट है। अरे यार काफी गर्म है, ये जो है मतलब जले तो भी मजा आता है। ये जो है एकदम आप देख सकते हो कैसे हलवे की तरह हो गई है और पूरी की पूरी चॉकलेट पिघल गई है। छोटे छोटे दाने जरूर बचे हैं, वो भी कुछ देर में पिघल जाएंगे। तो यहां पर अब हम लोग इसके अंदर जोलो चिप डालने के लिए एकदम रेडी हैं। तो भाई ये लो, और आप लोगों के सामने है यहां पर थोड़ी सी इसमें और है कि कितनी सी जोलो चिप है, देखो एक बार, बिल्कुल इतनी सी है। तो ये भी निकालते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। तो भाई ये खाली हो चुका है। अब आप लोग देखो इतनी सारी चॉकलेट है, इतनी सी जोलो चिप है, और इसको कर देते हैं अब बिना देखे मिक्स, और हो गया कल्याण हमारी 20 यहां पर चॉकलेट्स का। और भाई मेरे को यहाँ पर जोलो चिप की स्मेल आने लग गई। गई सच्ची में इसके अंदर से जो है वो स्मेल सी आ रही है जोलो चिप की यहाँ पर, जो कि भाई ऐसे स्मेल आने पर तो कुछ इतना पता नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है कि ये वही स्मेल है जो हालत खराब करती है। तो भाई साहब ये जो रेसिपी है एकदम बढ़िया से अब मिक्स हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसको ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद में टेस्ट करना बाकी रह गया और वही तो सारे राज की बात है। और यार मैं सोच रहा हूँ कि इसको ठंडा होने से पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो भाई ये इसके अंदर ही जम जाएगा। तो इस प्लेट में मैं निकाल रहा हूँ सारी की सारी चॉकलेट को, अगर इसमें आ जाएगी तो। तो गाइज इसको लगभग लगभग यहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, हमने इसको 15 मिनट फ्रिज में भी रख लिया, मुझे लगता है लगभग 45 मिनट हो गए होंगे, और अभी तक ये जो है जमा नहीं है। आप लोग देखो कि ये जो है मतलब पहले से ठंडा हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन भाई सब जमा नहीं है। तो हमने सोचा ये भैया अब तो अंधेरा हो जाएगा ऐसे तो रखे रखे, तो एक काम करते हैं इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि इतना गर्म नहीं है कि खाने में प्रॉब्लम हो, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है, बट ये जमा नहीं है क्योंकि जो चॉकलेट है वो हल्की सी गर्मी होती है पिघलने लगती है। तो यहाँ पर भाई साहब अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कितना फ़र्क पड़ा है जोलो चिप से। ठीक है, एक चम्मच में मैंने इसको लिया, अरे यार ये नीचे ज़्यादा गिर जाता है, और पूरा चम्मच जो है जो कि आप देख सकते हो इससे भरा हुआ है, इसको मैं खाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या टेस्ट आता है। ठीक है, ऑल राइट, अभी सब मीठा मीठा लग रहा है, थोड़ा डार्क चॉकलेट खा लिया यार, तो पूरा पिघला हुआ था जो पूरे मुंह में चिपक सा रहा है, अब तो सब ठीक है। गाइस भाई साहब मिर्ची का टेस्ट आ रहा है, और इतनी मिर्ची का टेस्ट आ रहा है कि जैसे अपने सब्जी वगैरह में होती है नॉर्मल, उस टाइप से आ रहा है। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मुझे इतना स्पाइसी अभी अपने मुंह के अंदर लग रहा है जितना अपने खाने में कभी नहीं होता। मैं काफ़ी स्पाइसी खाना खा लेता हूँ, लेकिन उससे भी जो है ये कहीं ना कहीं स्पाइसी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपनी हालत ख़राब हो जाए, मुझसे बोला ही ना जाए, आइज में जो है बहुत सारा पानी आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये जो है काफी ज्यादा तीखा है, लेकिन आप लोग सोचो कि हमने 2600 ग्राम चॉकलेट के अंदर सिर्फ एक जोलो चिप डाली थी, 20 बड़ी चॉकलेट्स में सिर्फ एक जोलो चिप, और वो भी इतना ज्यादा तीखापन दे रही है। अबे यार ये क्या चीज है, इतनी सी थी जोलो चिप इतनी सी। तो गाइज मैंने सोचा कि मेरे अलावा दो और लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए कि उनको कैसा टेस्ट आ रहा है। ये चम्मच झूठी हो चुकी है, इसको साइड में रखते हैं, एक दूसरी चम्मच से तीनों लोग खाएंगे। ठीक है, इस बार शुरू में मीठा मीठा फील होता है, कुछ भी नहीं लगता। कैसी लग रही है? अभी तो मीठा रहे। तो क्या खा रहा है? मीठा ही गाइस, शुरू के 15-20 सेकंड एकदम मीठा, यार कैसे बोल रहा हूँ मैं गाइस सच्ची में मैं बिल्कुल भी कुछ कोशिश नहीं कर रहा, अपने आप ही ऐसी आवाज़ आ रही है। मिर्ची लगने लगी, मिर्ची हल्की हल्की लगने, जैसे हम निगलते हैं ना, निगलने के टाइम पे पूरा गला जो है उसके अंदर मिर्ची लगने लग जाती है।
मस्त है, उसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है, फिर भी यार इतनी मिर्ची है कि पूरा मुंह जो है बहुत अच्छे से फील हो रहा है। इवन ये समझ लो आप कि अपने स्पाइसी खाने में, चाइनीज फूड में भी इतनी मिर्ची नहीं होती जितनी इसमें है। हो रही है कुछ फील? मिर्ची है और तो खा लेना। मिर्ची कितनी है पहले ही बता। कम थोड़ी, नॉर्मल नॉर्मल लग रही है। नॉर्मल नॉर्मल है, लेकिन भाई सोचो इतनी सी जोलो चिप थी 2600 ग्राम, ये सारी चॉकलेट नहीं है, थोड़ी सी जो है कढ़ाई के अंदर भी रह गई क्योंकि इस प्लेट में सारी आई नहीं, इसमें लगभग 2 किलो है, लगभग 600 ग्राम उसमें रह गई। और आप लोग देख सकते हो भाई, मुझे तो यहाँ पर जो है आप ये समझ सकते हो, जैसा कि इसको रेफरेंस ले सकते हो कि नॉर्मल तीखे खाने से थोड़ी ज़्यादा मिर्ची इसके अंदर मुझे फील हो रही है, वो भी ये इतनी मीठी चीज़ है, चॉकलेट से ज़्यादा मीठा क्या आएगा, उसके अंदर भी ये फील हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या होता है, ये कितनी तीखी होती है जोलो चिप। हम लोग जो है इसको खा सकते हो, चम्मच झूठी हो चुकी है, इससे मत खाना, दूसरी लेके आओ, अपनी कटोरी लो, घर लेके जाओ, खाओ। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलो फिर लाइक कर देना जरूर से वीडियो के लिए, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।